हाय फ्रेंड्स, मैं नुशलाक। आज हम बनाने वाले हैं तुरई का परोठा। इसके लिए मैंने एक तुरई ली है और इसको मैंने कद्दूकस करके लिया है। आप फाइनली चॉप भी इसको करके ले सकते हो। परोठे के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून बेसन का आटा ऐड करूंगी, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी अजवाइन, टेस्ट के हिसाब से नमक। ये सब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक हरी मिर्च की पेस्ट, कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 टेबल स्पून तिल, तुरई मैंने जो कद्दूकस करके ली थी वो 1 कप लेना है। इसको ऐड करके है अच्छे से आटा गूंद लेना है। आप तीखा और नमक आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये मैं आटा अब गूंद लूँगी अच्छे से। ये मैंने परोठे का आटा गूंद लिया है। इसको मैं गूंदने के बाद 10 मिनट तक ऐसे ही रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। 10 मिनट रेस्ट होने के बाद इसके हम लोग गोले बना के अच्छा सा परोठा राउंड शेप में बना लेंगे। ये मैं इसका हल्के हाथ से राउंड शेप में परोठा बेल लूंगी। मीडियम थिक रखना है ये, बहुत पतला भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं बेलना है हम लोगों को। ये मेरा परोठा बेल के रेडी हो गया है। इसको मैं अब सेक लूँगी। तवे पे मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी, उसके ऊपर हम लोग ये परोठा अच्छे से सेक लेंगे। मैं इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छे से सेकने के बाद इसके ऊपर मैं घी लगा दूंगी। आप चाहे तो बटर, तेल कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये मेरा पराठा बनके रेडी हो गया है। ये आप दही के साथ, अचार के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। इसको मैं अब सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। ये हमारा बनके रेडी हो गया है तुरई का परोठा। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। थैंक यू।